फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूं कि किस तरीके से मैंने अपने चेहरे से 7 दिन के अंदर पिगमेंटेशन की प्रिंपल को जो है हटाया और अपने चेहरे से बिल्कुल ही आप देख सकते हैं मेरा चेहरा इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था यहाँ पर पिगमेंटेशन, उसे आप छाइयाँ भी कह सकते हैं। जगह जगह जब ब्लैक ब्लैक हो जाता है और इस हिस्से में जो है छोटे छोटे से छेद भी नज़र आने लग जाते हैं। तो ये क्या हुआ था, मैं आप लोगों को अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है विंटर के टाइम पे मैं धूप में बैठना स्टार्ट कर दिया था। पूरा काम हो जाता था मेरा घर का तो मैं जा कर के धूप में बैठ जाती थी और मैं क्या करती कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मैं धूप में ही बैठी रहती थी क्योंकि ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगने लग जाती थी और बेबी भी था तो छत पर ही खेलता था तो मैं धूप में ही बैठी रह जाती थी। तो ऐसा मैंने कंटिन्यू 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक किया। धीरे धीरे जो है मेरा फेस काला होने लग गया। धूप की जो किरणें होते हैं उससे क्या हुआ था कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है चेहरे पर आपके असर पड़ता है, चेहरे में डलनेस आती है, चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ हो जाता है, चेहरे में कालापन भी आ जाता है। तो ये क्या होता है काफ़ी देर धूप में बैठने की वजह से मेरे चेहरे पे यहाँ पे जो इस हिस्से में छोटे छोटे से छेद हो गए थे दोनों इस हिस्से में और यहाँ पे पूरा ब्लैक सा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। पर जब मैं अपना चेहरा देखती थी मुझे तो बिल्कुल ही वैसा ही नज़र आता था। बट जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ये कैसे हो गया। तब ऐसा होता ना कि जब हम खुद देखते हो तो हमें तो हम खुद अच्छे लगते हैं पर जब बाहर के लोग बोलते हैं ना तब ज़्यादा असर पड़ता है अपने चेहरे पर, तब ज़्यादा लगता है कि हम ख़राब से लग रहे हैं। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि एक ने बोला दो ने बोला, जब सब बोलने लगे ना तो बहुत बुरा सा लगने लग गया और मैं जो है चली गई वहाँ पे, मतलब पार्लर में चली गई मैं। तो ये रहता है ना जब कुछ दिमाग काम नहीं करता हो तो सीधा जहाँ हमें लगता है कि ठीक हो जाए हमारा फेस वहीं जाना। तो मैंने पूरे मतलब पैसे वैसे निकाले और मैं पार्लर के अंदर चली गई। मैंने बोला मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ये देखिए क्या हो गया और क्या करना है क्या नहीं चाहिए। जो पार्लर वाली है वो मेरी बहुत जान पहचान की, काफ़ी टाइम पुरानी है, फ्रेंडली मान सकते हैं आप वो है। तो उसने मुझे बताया कि आपका जो चेहरा है वो ज़्यादा धूप में रहने की वजह से काला सा हो गया है और इसमें पिगमेंटेशन देख सकते हैं, इसकी भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया, खुद ही बताया कि ना आप क्या करा सकते हैं, आप फेशियल करवा लीजिए। इतना इतना रेंज बताया, काफ़ी महंगा था। तो फिर मैं वापस आ गई घर, वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं कराया क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था और मेरा बेबी भी रोने लग गया था तो मुझे बुलाने लगी थी मेरी सिस्टर, तो मैं चली आई थी। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मैंने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ, यूट्यूब में भी बहुत चीज़ें सर्च मारी अप्लाई की, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तब मैंने क्या किया कि ना मैंने अपने आप ही मतलब अपना ही क्या किया कि जो पपीता होता है मैंने देखा, बहुत सारा पता चला कि जो पपीता होता है उसका अगर आप अगर आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा तो पपीते को पपीते का पेस्ट बना करके चेहरे पे अच्छे से अगर आप उसका अप्लाई करते हैं मसाज करते हैं तो उससे क्या होता है चेहरे में ग्लोनेस आती है, चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है और चेहरे से जो दाग धब्बे होते हैं वो भी हट जाते हैं, रूखापन भी हट जाता है, चेहरा बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है। अगर आप फेशियल यूज़ कर रहे हैं तो फेशियल किट में मैं बोलूँगी कि आप पपाया का ही यूज़ करें। अब बहुत सी महिलाएं जो घर पर ही फेशियल कर लेती हैं अगर वो पार्लर में भी कराने जाती है तो उन्हें पपाया का कराना चाहिए अगर उनको इस सब पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है तो वो ये करवाएं। इससे कराने से आप देखेंगे कि एकदम नहीं है कि जैसे हम गए और फेशियल कराया और हमारा चेहरा बिल्कुल निखर गया, इसे टाइम लगता है। मान लीजिए 1 हफ्ते तो लगना ही है आपके चेहरे को साफ होने में, 1 दिन में साफ नहीं हो सकता, काफ़ी टाइम का जो मैल जमा हुआ होता है और विंटर के टाइम पर वैसे भी कोल्ड क्रीम हम चेहरे पर इतना लगा देते हैं वो भी जम जाता है। तो इससे क्या होता है चेहरे की सफाई करते करते हमें थोड़ा टाइम लगता है उसको अपने पहले वाले लुक में आने में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया किस तरीके से मैंने अपने चेहरे के पिगमेंटेशन को कम किया। पहले मैंने जो है पपाया का पेस्ट लगाया, पपाया को मैंने दूध में डाल करके कट छोटे छोटे कट करके उसे दूध में डाल के उसका पेस्ट बना करके चेहरे पर अच्छे से अप्लाई किया, उसका मसाज किया। और मैं फेशियल करती हूँ घर के अंदर, वो भी मैं पपाया का लेकर के आई तो मैंने अच्छे से उसमें स्क्रब होता है, क्लिनजिंग होती है, क्रीम होती है,
तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उसे आप चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करेंगे, जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे, धीरे धीरे आपका चेहरा साफ होने लगेगा। तो आप इसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते तो आपकी पिगमेंटेशन की समस्या दूर हो सकती है। तो बस फ्रेंड, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।